वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन द इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर स्नीक पीक 2 के बाद मेंटेनेंस नोटिस आया, उसके बाद में मार्वल्स 80 एनिवर्सरी हीरो क्विज आया, उसके बाद में यहाँ पर सितंबर अपडेट प्रिपरेशन इवेंट आया। ये तीन इवेंट अभी देखो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले मेंटेनेंस नोटिस निकालता हूँ और इसमें देखता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ मैं अपनी अपनी तरफ से बताता हूँ, मेरे माइंड थिंकिंग इन दिनों में कुछ तीन चार एक हफ्ते दिन में 7-8 दिन में काफ़ी बार यहाँ पर मेंटेनेंस टाइम आ चुका है जो कि सही नहीं है। मतलब खिचड़ी करना ही है तो पूरा एक बार करो, थोड़ा थोड़ा करके क्या करना। अभी एग्जांपल देता हूँ मैं कोई एक चीज़ का, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। किसी एक इंसान का अगर पेट ख़राब है तो वो बार बार वहाँ जाएगा जहाँ उसे जाना होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर गेम डेवलपर्स का लगता है इस बार गेम का पेट ख़राब है, इसलिए वो बार बार मेंटेनेंस टाइम दे रहा है। ये थोड़ा सही नहीं है, एक ही बार में क्लियर कर लो तो अच्छा है। अगर पेट ख़राब हो तो बार बार जाओ यार, उसमें क्या है। तो यहाँ पर ये फिर से मेंटेनेंस नोटिस निकाला है, दिमाग ख़राब करने वाला। और बहुत से लोगों का गेम शायद अभी लॉस हुआ होगा, खेल नहीं पा रहे होंगे, तो थोड़ा ध्यान रख के खेलना। आगे देखते मार्वल्स 80 एनिवर्सरी क्वाड हीरो क्वास्ट कम्युनिटी हीरो ब्ला 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 ब्ला। इसका आपको पिछले बार जैसे ही आंसर वगैरह देना है तो आप देख लेना, FB पे कोई ना कोई आपको हेल्प कर ही देगा। उसके बाद में सितंबर अपडेट प्रिपरेशन इवेंट, इस इवेंट के अंदर सितंबर अपडेट का प्रिपरेशन इवेंट यानी जो अपडेट आने से जो प्रिपरेशन इवेंट है उसका यहाँ पर तैयारी की जा रही है, उसी का यहाँ पर इवेंट दिया हुआ है। इस इवेंट के अंदर अगर मैं ठीक से देखूँ तो यहाँ पर सबसे ऊपर में 80 टोकन है, जो पिछले टोकन दिखाए गए थे सेम वही टोकन है। और नीचे में 20 एनर्जी है, 9 स्टोन क्योस है, क्लियर टिकट है, गोल्ड है, गेयर किट है, अल्टीमेट बूस्ट आयासोट है एक, ये सब दिया गया है। उसके बाद में वाइब्रेनियम गिफ्ट बॉक्स की गिववे की बात करूँ तो यहाँ पर खाली वाइब्रेनियम गिफ्ट बॉक्स है एक पर्टिकुलर, यानी एक पर्सन को एक बार मिलेगा। बस मुझे एक चीज़ का ख़राब लगा कि मेंटेनेंस टाइम करना है तो एक ही बार में पूरा मेंटेन करो, अगर नहीं कर सकते तो 3-4 दिन का ले लो लंबा संभा, आराम से भराओ। थोड़ा थोड़ा करके बार बार मेंटेनेंस टाइम इंसर्ट करना और प्लेयर को इरिटेट करना ये सही नहीं है। तो गेम अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो उसको अच्छे से अपना जो भी सर्वर है या जो भी है उनका गेम डेवलपर्स का जो भी होगा सर्वर डाटा ब्ला 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 ये वो दुनिया भर का क्या क्या होगा पता नहीं, तो पहले मेंटेनेंस कर लो अच्छे तरीके से, उसके बाद में गेम रिलीज़ करो, अदरवाइज़ गेम रिलीज़ करने का कोई मतलब नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ, सैमसंग वाले कंपनी वाले क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नए फीचर्स निकालते रहते और लॉन्च करते रहते, खुद तो चेक करते नहीं कि प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी कंडीशन में वर्क काम कर रहा है कर रहा है, लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा, काफ़ी चीज़ें कुछ चेक नहीं करते वो लोग। बहुत से मोबाइल फ़ोन में ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, तो रिलीज़ करने से पहले खुद चेक कर लिया कीजिए, अलग अलग कंडीशन में देख लीजिए, उसके बाद में रिलीज़ किया कीजिए। तो गेम डेवलपर्स ये सब करेंगे तो अच्छा है, और वरना बार बार मेंटेनेंस नोटिस देते रहेंगे तो मजबूरन कुछ प्लेयर्स गेम छोड़ के चले जाएंगे अगर ऐसा ही बार बार होता रहा तो। तो अब देखते हैं, बुधवार को शायद अपडेट आ सकता है क्योंकि यहाँ पर सितंबर अपडेट प्रिपरेशन इवेंट आ चुका है, तो हो सकता है बुधवार को अपडेट आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।